कोई गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ आंगनवाड़ी नारी जाती है। और वेतन मान लागू हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से वहाँ पढ़ाइएगा आंगनवाड़ी। अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। अभी है पारू प्रखंड में, और पारू प्रखंड के सेविका सहायिका लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का क्या मांग है हम इन लोगों से जानेंगे। और यहाँ पे कैमरामैन दिखा दीजिए चारों तरफ से इन लोगों का, उधर भी दिखा दीजिए, इन लोगों आज बैठे हुए अपना हड़ताल पे, और इन लोगों का मांग क्या है। इन लोगों का कहना है कि 6 सूत्री मांग, इन लोगों का क्या क्या है जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड सचिव रूपम कुमारी हूँ। मैं 5 मांग सरकार से की हूँ। कौन कौन सा मांग है? जो बिहार सरकार द्वारा अंतरिक्ष प्रोत्साहन राशि जो 10,000 दिया जाता है, अच्छा, वो चालू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोकन में बिहार जो हमको ग्रेजुएट तृतीय और चतुर्थी का मान्यता दिया है, अच्छा, उसको चालू किया जाए। अच्छा। और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए कर्मचारी ग्रेड सी और ग्रेड डी में संयोजित किया जाए। जब तक ले हमारी सरकार मांग पूरा नहीं करती है, तब तक ले सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिका को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दिया जाए। योग राशि से सेविका बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू किया जाए, एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका के सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, यह आप लोगों का 5 मांग है, ठीक है? 5 मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन और आप लोगों का क्या कहना है जो आगे सरकार से अपना प्रशासन? सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग उसको कुर्सी से उतार देंगे और अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा जी। और मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या तो आप लोगों के यहाँ आने से लग रहा है कि फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, सरकार को गूंज रहा है, कान में जा रहा है। आप लोगों का वेतन कितना है अभी? हम लोग को 5950 है। वेतन भी बढ़ाने की मांग कर रहे जी, कर्मचारी घोषित किया जाए और वेतनमान किया जाए। वेतनमान किया जाए, वेतनमान लागू हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से वहाँ पढ़ाइएगा जी। अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे जी। ऐसा सच है जी? सच है, 100% सच है। तो सरकार क्यों नहीं सुनी? सरकार इसलिए नहीं सुनी, सरकार के नज़र में सेविका सहायिका को उनको चिन्हित नहीं है, कोई महत्व नहीं है, खाली काम लेना चाहते हैं। चुनाव आयोग अगर सेविका काम नहीं करेगी तो किसी से होने वाला नहीं है, कोई पदकारी से नहीं होने वाला। अच्छा, है अच्छा। सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं जो सेविका सहायिका को चिन्ह नहीं करते। अच्छा, इसमें भी टोला सेवक का जो वेतनमान बढ़ी, टोला सेवक, टोला सेवक को जानते हैं? नहीं, हम लोग कोई टोला सेवक को नहीं जानते हैं। विकास मित्र जो कोई काम नहीं करता उसको तनख्वाह बढ़ा दिए, टोला सेवा कोई लोग जानबो नहीं करता उसको तनख्वाह बढ़ा दिए। बताइए, इतना सरकार को नजर में नहीं है। जैसे का सुबह 7:30 से लेके 24 घंटा काम करती है, नाम है 4 घंटा लेकिन 24 घंटा काम करती है, लेकिन तनखो सरकार को नजर नहीं खुल रहा है। इस बार अगर सरकार हम लोग को नहीं वेतनमान करता है, कर्मचारी घोषित नहीं करता है, हम लोग उनको कुर्सी से उतार देंगे। तो आप लोग कितना के संख्या में की कुर्सी से उतार दीजिएगा? हम लोग बहुत है, 84 लाख सेविका सहायिका है। आप लोग हल्ला का है बोल रहे हैं? नहीं, टोला सेवक को कोई पहचानता है? कोई नहीं पहचानता है कि टोला सेवक कौन है। और हम आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का जो काम है, मतलब गली गली मोहल्ला मोहल्ला, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है वहाँ आंगनवाड़ी नारी जाती है और सारे काम को करती है। मतलब पूरा जो भी लाभ है सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लाभुक तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों से ग्रामीण संतुष्ट होता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। केवल नीतीश कुमार और मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके बाद बाकी सारे लोग संतुष्ट है। बिल्कुल, आप लोगों की मांगों को सरकार को सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो सुन कह नहीं रहे हैं? सुनेंगे, सुनेंगे ही, कैसे नहीं सुनेंगे, लेके रहिएगा। नारी शोषण करते हैं, नारी समझ करके। जिंदाबाद सबका सहायता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आप पूरी करो। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद। जाइएगा आप लोगों का मांग जो सर, वह बता दीजिए सरकार से। कोरोना काल में हम बता रहे हैं आपसे, कोई कहीं नहीं निकल रहा था और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका डोर टू डोर जा करके एकदम पूरा समझाना बुझाना सारा काम करती थी। क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को कोरोना से डर नहीं था? उसके बच्चे नहीं थे, उसके परिवार नहीं थे? आप लोग निर्भीक होके काम किए हैं? बिल्कुल, एकदम प्राण न्योछावर करके। मैं वेतन मिलता था कि नहीं? आप लोग सब बंद था, कुछ नहीं, जो मिलता था वही, वो भी 6 महीना पर मिलता है, अभी बंद है, 5 महीना हो गया। अगर वेतन मान आप लोगों का लागू कर दिया जाए तो खुश रहिएगा या नहीं? क्यों नहीं खुश?
खुश रहेंगे। कोई भी काम करता है अपना पेट भरने के लिए काम करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता है, भूखे मरने के लिए थोड़ी ना करता है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब हम लोगों को लागू कर दिया कि हम लोग ग्रेचुटी के हकदार है, और सरकार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो तो मानना पड़ेगा। बक्स में दीजिएगा कि आप लोगों का रुझान किस तरफ है, या आम जनता लोगों का एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आंगनबाड़ी यह मांग सही है या गलत है, यह लोग सही ढंग से कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, अपना कमेंट बक्स में एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।